बीच में जो ये हड़ताल किया गया है, ये पर्सनल अपने मुद्दे के लिए, अपने फायदे के लिए किया गया है। इसमें सफाई कर्मी का कोई भी भूमिका नहीं है, नहीं उनका कोई लाभ है, जो ये ऑफिशियल मामला है। उनका है नहीं, उनका समय से तनख्वाह सब कुछ मिलता है, सब कुछ जब मिलता है तो उनको हड़ताल करने का कोई उचित ही नहीं। SN Live, सच सबसे आगे। इफेक्ट पड़ रहा है कर्मचारियों के काम बंद करने का, सफाई कर्मियों के काम बंद कर देने का, इसके बारे में हम जानेंगे कि सिवान की जनता जो है ये हर बार हड़ताल से कितना सफर करती है, कितना स्ट्रगल करती है। आइए हम बात करते हैं वर्मा जी से, जो कि वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अहम जो है कि सिवान का हिस्सा है कुरमाबाद, वहाँ पे लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साफ सफाई को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। क्या कुछ जो है कि फेस करना पड़ रहा है सफाई को लेकर इस महामारी के वक्त में, जहाँ पे सफाई का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और अच्छे से सफाई होनी चाहिए, इस वक्त बार बार हड़ताल पे चले जाना कर्मियों का, ये कितना प्रभावित कर रहा है लोगों को? पहले तो मैं बता दूं कि सिवान के जनता एक तो कोरोना से पहले से ही त्रस्त है, अभी जो तीसरा लहर आने वाला है उससे भी त्रस्त। उस बीच में जो ये हड़ताल किया गया है, ये पर्सनल अपने मुद्दे के लिए, अपने फायदे के लिए किया गया है। इसमें सफाई कर्मी का कोई भी भूमिका नहीं है, नहीं उनका कोई लाभ है, जो ये ऑफिशियल मामला है। जो हमारे राहुल साथ दुबे जी जो हैं, वो बहुत अच्छे ही करपालक पदाधिकारी आए हैं, जो हर किसी के समस्या को समय से समाधान करते हैं और हर किसी को मान सम्मान देते हैं। उस बीच ये हड़ताल का जो मुद्दा उठा है, ये टेबल को चेंज करने में, ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है कि जो आदमी अगर सही से काम नहीं करेंगे तो हम अपना काम, अपना और अपने सिवान का वार्डों का विकास के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। जिससे अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के जो है कि ये सारा खेल जो है कि वो रचाया जा रहा है, क्या किसका पर्सनल इंटरेस्ट है सर, आप इसको खुल करके एक्सप्लेन करेंगे क्या? खुल करके करने का तो सारे सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें सफाई कर्मी का कोई मुद्दा नहीं है, ये ऑफिशियल मामला है। तो यहाँ के जो लीडर उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं का ये काम है, उन्हीं का ये, इसमें कोई पर्सनल, जो हमारे बड़ा बाबू पूर्व में थे जिनको टेबल से चेंज किया गया, उनका कोई अपना मामला है, इसलिए उनको हड़ताल में इससे संलिप्त की गई है और ये लोग उसमें हड़ताल पर खड़े हुए हैं। इसमें सफाई कर्मी का कोई अहित नहीं हुआ। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सफाई कर्मियों को जो है कि मैनिपुलेट किया गया है, उनको बरगलाया गया है यूनियन लीडर के द्वारा। हाँ, माने ये सफाई कर्मी उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो उनके लीडर जो उनको समझाएंगे, जिस तरह बरगलाएंगे उसी तरफ वो काम करते हैं। इसमें उनका कोई अहित नहीं है, नहीं उनका पेंशन रुका है, नहीं उनका तनख्वाह रुका है, नहीं उनका समय रुका है, नहीं उनका समय से तनख्वाह सब कुछ मिलता है। सब कुछ जब मिलता है तो उनको हड़ताल करने का कोई उचित ही नहीं। वार्ड मेंबर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कर्मियों से, क्या आप जो है कि रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट उनसे, अपने सफाई कर्मी, अपने सिवान नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी थे उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ कि अपने काम पर वह लौटे और अपने करपालक अधिकारी जो अपने हैं उनसे अपने मांगों को और उचित जो मांग है उनसे कर, अपने तनख्वाह पेंशन और ये भी है उसके लिए उनसे आग्रह करके उनसे अपना काम करवाएं और अपने सिवान का स्वच्छ और साफ सफाई पर ध्यान दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए, आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए SN Live News से। आखिर एक बार से देखिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।